बैक टू फैमिली। कैसे आप लोग फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो ये देखिए हमारे पीछे ये कितना बड़ा नदी है फ्रेंड्स, ये है शारदा नदी, जिसको काली नदी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। तो हम आए हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ज़िले में, ये लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर पड़ता है फ्रेंड्स। तो मेरी मासी का घर है यहाँ पे, तो सोचा क्यों नहीं, जैसे ये काली नदी जिसको शारदा नदी बोलते हैं और आगे एक पीपा पुल पड़ता है, तो क्यों नहीं इस सबको घूम लिया जाए और इस सबको ब्लॉग में कवर किया जाए फ्रेंड्स। तो यही सब सोच समझ के हमने ये ब्लॉग बना दिया फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना चौड़ी नदी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एकदम पूरा मतलब बहुत ज़्यादा कटाव करती है फ्रेंड्स। मतलब कि जो इधर इस साइड घर गांव था उसको एकदम पूरा कवर, मतलब इसको पूरा काट के लेके चली गई, पूरा गांव बर्बाद है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा काटती है। तो वहाँ पे देखिए कुछ लोग दिखाई दे रहा होगा आप लोग को वीडियो में, वहाँ पे मछली मार रहे हैं, तो चलिए वहाँ पे भी आप लोगों को लेकर चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी चौड़ी नदी, बहुत ज़्यादा ही चौड़ी है फ्रेंड्स। हम क्या ही बताएं, हमको तैरना नहीं आता, नहीं तो हम अंदर आप लोग को हल्का दिखाते। और देखिए यहाँ पे देखिए पानी कितना स्वच्छ है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे लोग बताते हैं कि इस पानी को आप पी भी सकते हैं इमरजेंसी में, अगर आपको प्यास वास लगी है इस पानी को पी सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आप लोगों को वीडियो में और सब कुछ दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आप लोग को जूम करके दिखाते हैं इसका किनारा, देखिए लगभग हमको लगता है कि फ्रेंड्स 3 या 4 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी फ्रेंड्स। देखिए और वहाँ पे देखिए एक पीपा का पुल बना है, आप लोग को वीडियो में देखिए दिखाई दे रहे हैं, जूम कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए देखिए वहाँ पे जो बड़े बड़े कंटर में उसे क्या बोलते हैं कि आते हैं सब ऑयल, जो पेट्रोल आता है पेट्रोल डीजल, उसी का जैसे पुल बना के बांध बनाया गया फ्रेंड्स लोगों को आर पार जाने के लिए। देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही चौड़ी नदी है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आप लोगों को और घुमा के दिखाते हैं फ्रेंड्स। और गर्मी का समय रहते तो डूब जाए, ठंडी कोनो नहीं छे, भूजल बन ठंडी नहीं खेला, पानी से एकदम घोराग रहलो। आ होय हो अभी ना होते बड़ी अबे तो हम खाना आ जाथई नहीं है। तो फ्रेंड्स वो जो अंकल जी थे फ्रेंड्स, वो पता नहीं कैसे जैसे नदी में नीचे साइकिल से गिर गए थे, तो दौड़ के हमने दौड़ दौड़ के हाली हाली गया है, उनका ये फट गया था फ्रेंड्स, तो मदद किया उनको, जैसे बांधा होता है जो गमछा लगा के बांधा जाता है फ्रेंड्स। तो क्या बताएं, आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है, तो कृपया देख के नदी किनारे आए जाएँ। वो साइकिल लेकर एकदम पूरा पलट गए थे, मतलब गिर गए फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए एक नाय रखी हुई है, हमको तैरना नहीं आता है, क्या ही किया जाए। तो एक अंकल जी आए हैं, वो दौड़ के उनको बचाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग कभी भी नदी किनारे आइएगा तो सावधान रहिएगा फ्रेंड्स। देखिए वहाँ पे उनका जैसे फ़ोन भी गिर गया है, हम तो तैर नहीं पाते, नहीं तो हल जाते। तो वो जैसे मोबाइल खो गया है अब अंदर, क्या पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, हम तो दूर थे तो दौड़ते दौड़ते गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए ब्लॉग में आगे दिखाते हैं आप लोग को, यही सब है फ्रेंड्स, इसी को काली नदी और शारदा नदी बोलते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय।